उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के किसान नगर में हाईवे पर एसी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इनमें अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है। घायलों की संख्या 30 से ज्यादा बताई जा रही है। इनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी कम पड़ गई। आनन-फानन में रेस्क्यू टीम और पुलिस ने लोडर के जरिए कई घायलों को हैलट अस्पताल पहुंचाया। हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे पर डीसीएम का ड्राइवर बस को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान टेम्पो दोनों के बीच फंस गया। हादसे में जितने लोगों की मौत हुई है उनमें सभी टेम्पो में सवार थे। उसमें करीब 18-19 लोग थे। सभी कानपुर के संजेडी थाना क्षेत्र के लाहलपुर गांव के रहने वाले थे। और ऑटो के बीच में भिड़ंत हुई है जिसमें पांच लोग यहाँ पर कानपुर हेलेट हॉस्पिटल का इलाज कर रहे हैं और कानपुर यहाँ बंद कराया जा रहा है। देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बस लखनऊ की तरफ से आ रही थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी और सामने से जो एक ऑटो था उससे आपने सामने की टक्कर भी है जिसमें इनकी आईडी तिरछी करीब ये 16 व्यक्ति भारत में चल की मौत हो गई। बताया जाता है कि ये सभी लोग एक बिस्तर फैक्ट्री में काम करते थे। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए फैक्ट्री जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। हमको ये जानकारी हुई कि टेम्पो के ऊपर जो है बस पलट गई है। दोनों पक्ष के आदमी खत्म हो गए। हमारा उसी में दोनों खत्म हो गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद करने को कहा। साथ ही हादसे की जांच के इलाज जो हमारी मेडिकल टीम अच्छे से अच्छा कर पा रही है वो कर रही है। मृतकों की संख्या लगभग 17 पहुंच चुकी है। जैसे अभी मेरी बात हुई है उच्च अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र में सचेंडी थाने के पास ब्रिटेनिया फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों को एक बस के द्वारा ठोकर उनकी गाड़ी में मारी गई है जिससे वो बस भी पलटी है और वो पूरी विक्रम गाड़ी जो लोडर जिसमें लोग बैठे हुए थे लगभग 17 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है और भी बहुत गंभीर स्थिति में है। मेरी मुख्यमंत्री जी का भी मैंने संज्ञान में दे दिया है। बहुत जो भी